नमस्कार दोस्तों, टेक होम टिप्स में आपका स्वागत है और मैं हूँ सोना भर। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान क्रिसमस प्लम केक की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही इंस्टेंट तरीका है। शुगर को हमने सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पर जैगरी से, तो ये और भी ज्यादा हेल्दी हो जा रहा है। एगलेस केक है, बहुत इंस्टेंटली बनाएंगे और बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं क्रिसमस प्लम केक। रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही आसान हेल्दी क्रिसमस प्लम केक। पहले मैंने यहाँ एक सॉस पैन में 3/4 कप ऑरेंज जूस ले लिया है। ये ऑरेंज जूस मैंने अभी ही फ्रेश ऑरेंज से बनाया है, आप चाहें तो पैक्ड ऑरेंज जूस भी ले सकते हैं। इसके साथ मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, जिसमें मैंने चेरी ली है जो ये पैक्ड थी, इसे मैंने बारीक काट लिया है। कुछ काजू के टुकड़े हैं जिन्हें मैंने काट लिया है। बादाम, किशमिश और अखरोट है, ये मैं आज क्रिसमस केक में डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो भी अवेलेबल हैं, बहुत स्वाद आ जाता है और ये जो है क्रिसमस केक के स्वाद को तो बढ़ाते ही हैं, साथ में इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ाते हैं और बहुत रिच बना देते हैं। सर्दियों में तो यही खास बात है क्रिसमस केक खाने की। तो इसे मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें डालूंगी 2 पिंच लगभग 2 चुटकी नमक। तो पहले तो हम जो है इसमें थोड़े मसाले डालेंगे, जैसे मैंने दालचीनी ली है, कुछ लौंग ली है और कुछ काली मिर्च ली है। तो इन्हें मैं दरदरा पीस लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसका पाउडर बना लिया है, ग्राइंडर में नहीं, मैंने बस क्रश किया है और ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो इस तरह से हमने इसमें मसाले डाले हैं जो इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। अगर आपको कुछ मसाले कम पसंद हैं तो आप उन्हें कम भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ चीनी का यूज़ नहीं किया है, जैगरी यानी गुड़ डाला है। तो 1 कप मैंने गुड़ को बारीक इस तरह से काट लिया है, वो हम डाल देंगे। और इसके साथ 1/2 कप मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल, तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसे रख देंगे गैस पे, बिल्कुल लो गैस फ्लेम पे। तो जनरली जो केक बनता है बिल्कुल ट्रेडिशनल केक, उसमें ड्राई फ्रूट्स को 15 दिन या 1 महीना जूसेस में सोक करके रखा जाता है, पर क्योंकि हम ये इंस्टेंट बना रहे हैं तो इसे हमने गैस पे रख लिया है। और शुगर के बदले हमने यहाँ जैगरी ली है, तो जैगरी जैसे ही मेल्ट होगी, जैसे गैस गर्म होगी, और देखिए यहाँ जैगरी मेल्ट हो गई है, तो सारे ही ड्राई फ्रूट्स में ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें 80% जैसे ही जैगरी मेल्ट होगी गैस को हम बंद कर देंगे, क्योंकि वो तब उसके बाद भी काफ़ी गर्म रहेगा और जैगरी अपने आप बाकी मेल्ट हो जाएगी। तो मैंने इसे गैस से हटा दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 1/4 कप टूटी फ्रूटी मल्टी कलर हैं जो मैंने घर पर ही बनाई हैं, इसका वीडियो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है, तो वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसे मिला देंगे। और अब इसे रूम टेम्परेचर में आने के लिए छोड़ देंगे, तब तक सारे ही फ्लेवर बहुत अच्छा सा शुगर उसमें, जैगरी का फ्लेवर उसमें बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अब ये ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ सौंठ पाउडर 1/2 चम्मच, यानी ड्राई जिंजर पाउडर 1/2 चम्मच डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिला देंगे। तो बेसिकली ये स्पाइस केक होता है जिसका अपना अलग ही मज़ा होता है। और यहाँ मैं ले रही हूँ 1 चम्मच कोको पाउडर जो ईज़िली अवेलेबल होता है मार्केट में, हम जब भी केक बनाते हैं चॉकलेट केक हम उसमें डालते हैं, तो ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया है और इसे मिला लेंगे। अब ले रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, इसे डाल देंगे और इसके बाद इसे मिला लेंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, अगर आप केक बनाते रहते हैं तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास इजीली अवेलेबल हैं, अदरवाइज ये ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। और 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं बेकिंग सोडा। तो हम जैसे ही बेकिंग सोडा डालेंगे उसके बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और आप देखेंगे कि काफ़ी बबल वाला जो है इसमें टेक्सचर आने लगेगा। आप अच्छे से मिला लीजिए ताकि बेकिंग सोडा इवनली अच्छे से मिल जाए, और देख रहे हैं आप कैसे बबल्स जनरेट होने लग रहे हैं। तो अब मैं इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। इस दौरान हम कोई इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से फर्मेंट हो जाए और हमारा केक अच्छे से फूल जाए, क्योंकि हमने इसमें कोई अंडा नहीं डालना है। तो देखिए कितना अच्छा फोमी टेक्सचर आ गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी 2 कप मैदा, लेकिन एक साथ नहीं डालेंगे, जैसे मैंने एक बार 1 कप डाला, और इसको अच्छे से मिला लेंगे एक ही डायरेक्शन में। और अब मैं डालूंगी 2 कप यानी जो बचा हुआ मैदा है वो, और अब इसे फिर से हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये जो प्रोसेस जब चल रहा है उस दौरान मैंने अपने ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट करने के लिए रख दिया है, ताकि जब तक मेरा केक का बैटर तैयार हो मेरा माइक्रोवेव भी रेडी हो जाए। तो यहाँ देखिए केक का बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आज मैं केक को इस ब्रेड टिन में बना रही हूँ, तो मैंने इसको अच्छे से
ऑयल से ग्रीस करना है, तो सबसे पहले मैंने एक ब्रश की मदद से इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। ब्रश नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हाथों से कर सकते हैं, कॉटन से कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। नीचे एक बटर पेपर लगाएंगे क्योंकि ये क्रिसमस केक है, इसमें बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं तो कभी कभी ये नीचे चिपक जाता है, तो ईजिली बाहर आ जाए इसके लिए एक बटर पेपर लगा देंगे, उसे भी ग्रीस कर देंगे ऑयल से। और अब केक का बैटर हम केक टिन में डाल देंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही टिन लें, आप राउंड भी ले सकते हैं, कोई भी शेप का आप टिन ले सकते हैं। तो सारा ही बैटर इसमें डाल देंगे। जैगरी की वजह से और मसालों की वजह से जो इसमें कलर आया है वो बहुत टेंप्टिंग लग रहा है, और इसकी खुशबू तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, आप जब बनाओगे ना आप कहोगे वाकई में। थोड़ा सा टैप कर दिया है और अब ये ओवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मेरे प्री हीटेड ओवन में मैंने इसको डाल दिया है। 40 मिनट्स के लिए मैं इसको बेक करूँगी 180 डिग्री सेल्सियस पर। हमने बंद कर दिया है और 40 मिनट्स के लिए हमने इसको बेक करने के लिए रख दिया है। तो अब इंतज़ार करते हैं इसके बेक होने का और फिर देखते हैं कि हमारा केक कैसे बना है। तो यहाँ 40 मिनट्स हो गए हैं, मैं एक चाकू इंसर्ट करके देख रही हूँ क्योंकि चाकू बहुत इजीली हर किसी के यहाँ होता है, और चाकू बिल्कुल क्लीन निकल के आया है, दैट मीन्स हमारा केक रेडी है। तो अब हमें एक काम करना है कि केक टिन को बहुत अच्छे से बंद कर लेना है। तो मैंने इसके ऊपर की जो लीड थी उससे इसको बहुत अच्छे से बंद कर दिया है, और जब तक ये कम्प्लीट कूल नहीं हो जाता मैं इसको नहीं छेड़ने वाली हूँ, हम इसे ऐसे ही रख देंगे। और अब देखिए केक बिल्कुल ठंडा हो गया है, बहुत अच्छा सा इसमें जो है मॉइस्ट आ गया है, क्योंकि अगर हम तुरंत काट देते तो ये मज़ा नहीं आता। तो हमने इसे कंप्लीट ठंडा किया और अब मैं एक चाकू इसके चारों ओर इस तरह से घुमाऊंगी ताकि केक बहुत आसानी से रिलीज़ हो जाए। तो अगर आपके पास केक का उतना अच्छा लिड नहीं है तो आप किसी भी दूसरे बर्तन से बंद कीजिए और ऊपर से उसमें अच्छा सा कपड़ा लपेट दीजिए। अब केक टिन को टर्न कर दिया है और टैप करेंगे, और केक बहुत आसानी से निकल आएगा, ट्रस्ट मी, दो बार टैप करने पे बहुत आसानी से निकल आएगा। बटर पेपर लगाया है, ये भी इसे बाहर आने में मदद करेगा। तो अब मैं बटर पेपर को हटा देती हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कितने अच्छे से कुक हुआ है, बटर पेपर बहुत क्लीन निकल के आ रहा है। तो यहाँ हमारा परफेक्ट मॉइस्ट केक, क्रिसमस केक जो बहुत रिच है नट्स के साथ, बहुत अच्छे स्पाइसेस का फ्लेवर है, बिल्कुल बन के रेडी है। ट्रस्ट मी, आप खाएंगे ना आप उंगलियां चाट के खाएंगे, और इतना हेल्दी है और रिच है, मतलब एक या दो पीस से ही आप कहोगे ओ मेरा तो पेट भर गया, मतलब टेस्ट तो आपको लगेगा कि और खाना है लेकिन यू फील लाइक कि यू आर फिल्ड। तो अब हम इसे नाइफ से इस तरह से कट करेंगे, अपने पसंद से काटिए, छोटा काटना है छोटा काटना है तो छोटा काटिए, और अपने लिए काटना है तो थोड़ा बड़ा काटिए। तो ये क्रिसमस केक आप इंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, घर में बना खाइए, हेल्दी खाइए, दोस्तों को भी हेल्दी खिलाइए और फैमिली मेम्बर्स को भी हेल्दी खिलाइए। ये क्रिसमस प्लम केक की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं जल्दी ही मिलूंगी और एक्साइटिंग फूड रेसिपीज़ के साथ, तब तक टेक होम टिप्स देखते रहिए। आपका धन्यवाद।